तो कैसे यार, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि इंग्लिश टाइपिंग तो ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग में आपको काम भी मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश की उतनी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा कोई काम जो हिंदी में हो, हिंदी टाइपिंग हम कर सकें, हिंदी में उसको कन्वर्ट कर कर पैसा कमा सकें। तो मैंने भी यार सर्च किया और आपके लिए आज एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ, एक ऐसा काम लेके आया हूँ जहाँ पे आपको सिर्फ हिंदी में टाइप करना है और अच्छा खासा पैसा वहाँ से जनरेट करना है। जी हाँ गाइज, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आप चाहते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको काम मिल सके। अब हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, सबसे इजी है उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी अच्छी हिंदी आती है। तो उस हिंदी से अगर आपको पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, वो इस वीडियो में आज आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को पूरा देखना है तभी सारी चीज़ें आपको समझ में ये आएंगी। काम काम बहुत इजी है, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हो। तो इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर हो। बहुत ही इजी वे है यहाँ से अप्लाई करने का। अब कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो वेबसाइट है ये 100% जेन्युइन वेबसाइट्स है। यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी रेटिंग की तो अमेजिंग रेटिंग है, दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर काम देते हैं और लाखों लोग यहाँ से काम कर कर पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। अब कैसे आपको काम मिलना है, देखिए हमारा काम, जो हम यूट्यूबर्स होते हैं उनका काम होता है ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करके लेके आएँ ताकि आप लोगों को वो प्रोवाइड करा सकें, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो ऐसी चीज़ें सर्च करने में। हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। अब यार देखिए, ऐसा भी होता है, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलना चाहता, ऐसा भी होता है कि जब आप उस वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं, अब क्योंकि आप जैसे लाखों लोग सेम डे में अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को काम मिल जाए। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको हर वीडियो पे देखकर, हर वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। जब आप बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई करते हैं तो चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से काम मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक वीडियो देखें और सोचें कि यार मैंने अप्लाई कर दिया है, आप बैठे रहें और सोचें कि यार काम मिल जाएगा। जब काम नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स है क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा तो आपको गुस्सा आता है और आप ऐसे कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन यार देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं या वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको काम मिल जाता है तो आपके लिए वो वेबसाइट सही हुई, लेकिन अगर आपको काम नहीं मिलता तो उसी वेबसाइट को आप फ्रॉड बता देते हैं। तो ये होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके लिए वेबसाइट बेकार है या काम नहीं देती है वो वेबसाइट किसी और के लिए भी बेकार हो। अब हो सकता है कि जो वेबसाइट आपके लिए अच्छी हो वो किसी और के लिए बेकार हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। इसलिए किसी भी वेबसाइट को ये कह देना कि ये ख़राब है या ये बिल्कुल सही है गलत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको अपना गिवअप नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा। आप, मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि यार आपको काम मिले, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको काम मिले, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाए। इसलिए यार देखिए, मैं अपनी वीडियोज़ में गिववे भी रखता हूँ ताकि यार अगर मैं थोड़ा सा भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकूँ आपकी लाइफ में, मेरी वजह से अगर कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और नहीं हो सकती। हालांकि इस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव में भी लेते हैं, लेकिन देखिए लाइफ में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं, वो हर किसी के साथ होता है। तो आपको पीछे नहीं देखना है, आपको अपने काम में लगे रहना है। अगर आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ हमेशा होता है। तो यही चीज़ आपको भी सोचनी है, क्योंकि आज अगर आपका बुरा दिन है तो ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका अच्छा जरूर आएगा जहां आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। देखिए हर इंसान कमाता है, कुछ लोग जल्दी कमा लेते हैं, कुछ लोग लेट कमाते हैं, लेकिन कमाता वही है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, मेहनत से करता है। आप अपना काम हमेशा ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ बाद में कितनी इजी हो जाती है। हालांकि शुरू में हो सकता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनको 100% सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये तो हो गई यार थोड़ा अलग हटकर बातें, क्योंकि कभी कभी मैं इस तरह की बातें कर देता हूँ, हो सकता है कि आप बोर भी हो जाते हो। अब मैं बात करता हूँ सीधे मुद्दे की। तो आज की ये वेबसाइट जैसे मैंने बताया कि बहुत अमेजिंग होने वाली है, यहाँ पर आपको हिंदी में काम करना है। उससे पहले यार हमारी जो कल की वीडियोस थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो है कल की वीडियोस से मैंने जो है 5 लक्की विनर चूज़ करने शुरू कर दिए हैं,
जो कि डेली क्विज के विनर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके स्क्रीनशॉट दिखा दूँ ताकि वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे टेलीग्राम में सेंड कर दें और मैं उनको अमाउंट दे सकूँ। सबसे पहला तो स्क्रीनशॉट देखिए ये है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था कल की वीडियोज़ में। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए ये है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था कल की वीडियो में। तीसरा स्क्रीनशॉट देखिए, और ये देखिए हमारे तीसरे लकी विनर हैं। चौथा स्क्रीनशॉट देखिए ये है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था और ये हमारे चौथे लकी विनर हैं। पांचवा स्क्रीनशॉट देखिए ये है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था और ये हमारे पांचवे लकी विनर हैं। तो आप सभी पांचों को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है लकी विनर बने हैं। ऑलरेडी मैंने आप पांचों के नाम टेलीग्राम में पिक्चर्स के साथ सेंड कर दिए थे, तो आप पांचों को अपना पेटीएम नंबर मुझे टेलीग्राम में सेंड कर देना ताकि मैं आपको वहाँ से आपका गिवअवे दे सकूँ। आप जो आज नए हैं, नहीं जानते हैं कि कैसे क्विज में पार्टिसिपेट करना होता है, क्या प्रोसीजर है, तो पूरा वीडियो को देखिए, आपको लास्ट में पता लग जाएगा कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। बहुत ही इजी होता है। उससे पहले यार, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, नीचे देखिए रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। साथ में ही बेल आइकन है, उसको भी आपको प्रेस कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो जॉब रिलेटेड डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं बिना देरी किए सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जैसे मैं बताता हूँ कि पूरी देखनी है, क्योंकि कुछ लोग स्किप कर देते हैं तो फिर बाद में समझ में नहीं आता, सीधे अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब बिना देरी किए सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको हिंदी में टाइपिंग कर अच्छा खासा पैसा कमाना है। देखिए हिंदी में टाइपिंग करना बहुत इजी होता है, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको जो है अगर नॉलेज नहीं है और हिंदी अगर अच्छी आपकी है, तो आप यहाँ पर अच्छा काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्क क्या है, यू हैव टू राइट सेंटेंस ऑन गिवन स्क्रिप्ट एंड सेंटेंसेस शुड बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। यहाँ पे जो है आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी जो कि इंग्लिश में होगी, वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना होगा। जो कि अगर मैं बात करूँ कि इसका टॉपिक देखिए क्या होगा, किस तरह की ये स्क्रिप्ट होगी, तो देखिए पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से रिलेटेड होगी। तो अगर आपको हिंदी की नॉलेज अच्छी है तो जो इंग्लिश में लिखा होगा सिर्फ आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है, जिसका कि आपको 600 रुपए तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब मैं बात करूँ, देखिए देयर विल बी सेंटेंसेस एंड फ्रॉम द सेंटेंसेस यू हैव टू मेक टू सेंटेंसेस इन हिंदी। सिंपली जो आपको यहाँ पे सेंटेंस मिलेगा वो आपको हिंदी में लिखना होगा। इसे हम एक कंटेंट राइटिंग भी कह सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग भी कह सकते हैं, कॉपी राइटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको सिंपली जो लिखा हुआ होता है उसे ही आपको हिंदी में लिखना होता है। अब जिनकी हिंदी अच्छी है और जो बहुत टाइम से ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताइए जहां पे हम हिंदी में कर सके, तो उनके लिए यार ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग वर्क आपका होगा, सिंपल इनवॉइस कंटेंट राइटिंग वर्क होगा, मतलब कि आपको जो भी काम मिलेगा वो इंग्लिश में होगा, उसको आपको हिंदी में लिखना होगा। तो इस तरह का है। अब इसके लिए देखिए अप्लाई कैसे करना होता है, क्योंकि देखिए ओपन 6 डे लेफ्ट, केवल 6 दिन बचे हुए हैं इसमें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए देखिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉगिन का, एक है साइनअप का। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है। जब आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप साइनअप कैसे करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट करेंगे वो करेंगे हम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू। एक बार मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर आगे का प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन मेल आती है, जिसमें भी आपको क्लिक करना होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे मन्नू की टैग लिखा हुआ है। अभी जो मेरा अमाउंट है यहाँ पे 00, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे काम कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है 6 दिन बचे हुए हैं, तो आपको जल्दी से यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हिंदी का कंटेंट राइटिंग वर्क है, ओपन है अभी, क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कहता है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, नीचे आपको लास्ट नेम डालना है, फिर डालना है प्रोफेशनल हेडलाइन क्या है,
समरी देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाली हुई है आप लोगों को, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, हवली रेट आपका क्या है, कि कितने रुपए पर घंटे आप यहाँ से कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो है वो है 1-2, 2 से ऊपर रखने हैं आपको, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, $3। $3 का मतलब होता है कि लगभग लगभग आपका 230 से 240 रुपए के बीच में यहाँ पे आप पर घंटे लेना चाहते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे समरी में आप अपने बारे में लिखिए, देखिए इसी तरह से यहाँ पे जो समरी है उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है, कि कितना आपको एक्सपीरियंस है, किस चीज में आपको एक्सपीरियंस है, कितना काम आपने कहाँ किया है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे सारी चीजें आप शेयर जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिले जल्दी से यहाँ पे आपको सिलेक्ट होने में। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे है प्रोफेशनल हेडलाइन, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से काम में आपको आता है वो सारा यहाँ पे आपको लिखना है, चाहे वो डेटा एंट्री है, टाइपिंग है, रिज्यूम राइटिंग है, जो भी काम आप कर सकते हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम में यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है, जैसे कि मैंने की हुई है। यहाँ पे देखिए आपको एडिट प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने लैपटॉप पीसी कंप्यूटर या मोबाइल में जहां भी पिक्चर सेव है उसको ओपन कर यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना होता है, ताकि यहाँ पे आपका ये प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाए। ये होने के बाद देखिए सिंपली आपको यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको अब ये कहता है कि प्लीज अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट में आपको बिड करना है कि कितना पैसा आप यहाँ पे इनसे लेना चाहते हैं। देखिए पेड टू यू 640 रुपए, 250 रुपए फीस लगेगी, 12 रुपए 80 पैसे लीवी लगेगी, तो टोटल हो गया 370 रुपए 20 पैसे, जो कि कम से कम यहाँ पे आप ले सकते हैं। यू विल बी एबल टू एडिट यूर बिड अंटिल द प्रोसेस इज अवॉर्डेड बाय टू समवन। अब यहाँ पे देखिए आप अपना अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं, 370 मिनिमम है कम से कम। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बिड हम कर देते हैं इसकी 700 रुपए की, ठीक है। तो ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब योर प्रपोजल, अब आपको अपने प्रपोजल के बारे में डिस्क्राइब करना है, लिखना है कि क्या आपका प्रपोजल है, कैसे आप काम करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, आपने पहले कितना काम किया हुआ। देखिए अगर आपने काम नहीं भी किया हुआ तो भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब में अपने बारे में बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखते हैं उतना ही जो काम देने वाले होते हैं उनको ये बिलीव होता है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले काम किया हुआ है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप जितना लिख सकते हैं अपने बारे में उतना अच्छा अच्छा यहाँ पे आप लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर अब आता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन कितना है, जैसे कि डिफाइन द टास्क दैट यू विल कंप्लीट फॉर दिस, कितने में आप यहाँ पे काम कंप्लीट करना चाहते हैं, वो अमाउंट यहाँ पे आपने ऑलरेडी जैसे मैंने ऊपर डाला था तो नीचे आ गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शंस अपग्रेड हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं करने हैं, ये देखिए ये उनके लिए होते हैं जो यहाँ पर अपने प्लान को अपग्रेड करते हैं। तो मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, आपको यहाँ पे सिर्फ बिड करनी है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस बिड पे क्लिक कर देना है। तो एक बार मैं यहाँ पर प्रपोजल में देखिए आपको कुछ भी यहाँ पे लिख के दिखा दूं, ताकि मैं इस बिड को सबमिट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सिक्स ईयर एक्सपीरियंस डेटा एंट्री वर्क, नेक्स्ट माय वर्क एंड विल गेट है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया है, आप भी अच्छा अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेस बिड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैंने प्लेस बिड पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो बिड है वो प्लेस हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा जो ये प्रपोजल था वो आ गया है, कितने रुपए में यहाँ पे लूंगा, कितने दिन में करूंगा, देखिए यहाँ पे सारी चीजें एडिट हो चुकी है। अब यहाँ से होने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक हमारे पास मेल आ जाता है, हमारे यहीं पे देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमारे कितने बिड हमारे यहाँ पे हो चुके हैं,
और जो यहाँ पर जिन्होंने काम दिया है उनकी तरफ से हमारे पास मेल आ जाता है और यहाँ पे हमें काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए हमारी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बिड किया हुआ है, किसी ने 750, किसी ने 766, किसी ने यहाँ पे 868, किसी ने 600 रुपए भी किया हुआ है, किसी ने 640 भी किया हुआ है। तो आप हमेशा ऐसी बिड कीजिए जो कि आपकी एवरेज हो, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो, ताकि आपको जल्दी से काम मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि देखिए 6 दिन ही बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि हिंदी का काम है, 600 रुपए आपको मिल जा रहे हैं सिर्फ एक हिंदी में टाइपिंग करने के, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है। और क्योंकि देखिए ये जो वेबसाइट है फ्रीलांसर, ये दुनिया की सबसे नंबर वन वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, इजिली आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपकी जेब से एक पैसा खर्च नहीं होता, जो भी आपको काम मिलता है 100% आपको जेन्युइन प्लस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिलता है। गाइस अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाकर जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से काम मिल सके। अगर कहीं कोई डाउट लगे, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो प्लीज या कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजें आपको बता सकूं। हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें मिस हो गई हों, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास ही है, कहीं नहीं जाएगी। और साथ में ही अब मैं बता देता हूँ कि हमारे जो डेली विनर हैं वो कैसे बनते हैं। सिंपल सी, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, जब वीडियो एंड होने वाली है, आपको 3 जगह टेक्स्ट दिखाई देंगे, उन टेक्स्ट को आपस में कंबाइंड कर एक वर्ड बनता है, जो कि आपको मुझे नीचे लिख देना है कमेंट्स बॉक्स में। जी हाँ गाइज, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है टी, कहीं पर लिखा हुआ है आई, कहीं पर लिखा हुआ है जी, कहीं पर लिखा हुआ है ER, तो टोटल हो गया टाइगर। ये सिर्फ 3 जगह आपको लिखेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने की कितनी जगह लिखा हो, कहीं मिस ना हो गया हो, सिर्फ 3 ही जगह आपको मिलेगा। तो आपको वो सिंपली कंबाइंड कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जो सबसे पहले 5 सही जवाब आते हैं वो हमारे लकी विनर होते हैं, जिनको हमारी तरफ से गिवअवे मिलता है। साथ में हमारा वीकली होता है, वीकली के लिए संडे से हमने जो है स्टार्ट किया था, और वहाँ पर हर दिन आपको हर वीडियो में एक डिजिट मिलता है, सिंगल डिजिट, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, तो आपको वो नोट करते रहना है अपने पास। जैसे संडे को 4 था, मंडे को 6 था, ट्यूसडे को 8 था, तो आपको संडे की वीडियो के दिन आपको सारा कंबाइंड कर मुझे भेज देना है, सबमिट कर टोटल सम कर कि कितना सम हुआ था। और जो सबसे पहले 3 सही जवाब आते हैं वो हमारे वीकली विनर होते हैं, जिनको हमारी तरफ से 100 रुपीज़ पेटीएम कैश मिलता है 3 जनों को। तो आप भी वो लकी विनर बन सकते हैं, बहुत ही ईजी है, वीडियो को पूरा देखना है और काम पे लग जाना है। तो मिलता हूँ यार फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलें।